आप सभी को राधे राधे। ब्रिज मंडल में आज एक ऐसे दिव्य स्थान पे आया हूँ। इस दिव्य स्थान का नाम है देहकुंड। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देह दान किए थे और आज इस स्थल का आप लोगों का दर्शन कराऊंगा। और इस स्थल का थोड़ा सा जर्जर हालत हो गया है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। इससे पहले आप लोगों को मैं बताना ये चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस स्थल को आप लोगों को मैं दर्शन कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मैंने बताया ना, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये देहकुंड है। देहकुंड का ये कुंड है जिसमें आज के समय में इसमें पानी नहीं है। इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है ये, और हमारे सनातन धर्म से और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे साक्षात भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ लीला किए हैं, वो वही स्थल है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसकी बहुत ही बुरी हालत है। आप लोग देख सकते हैं, इसको ना देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है, ना शासन प्रशासन कोई भी देखने वाला कुछ नहीं है। यहाँ के जो ट्रस्ट है, ब्रज ट्रस्ट, वो भी इसका देख रेख करने वाला भी नहीं है। बस यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, बहुत ही जर्जर हालत में ये यहाँ के स्थल है, मंदिर है। आप लोग सपोर्ट करें इस वीडियो को, आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि किसी अधिकारी के पास ये वीडियो जाए तो कम से कम इस देहकुंड का जीर्णोद्धार हो, इस कुंड का जीर्णोद्धार हो और यहाँ की जो मंदिर है उसका भी उद्धार हो। और इससे ज़्यादा हम जानकारी यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम लेते हैं, उनकी डिमांड क्या है इस स्थल के लिए, सरकार से, प्रशासन से, और उनसे हम बातें करते हैं। देखिए प्रभु, ये देहकुंड सूखा हुआ है। बिल्कुल जी जी, जो इसकी आज आप ये हालत देख रहे हो, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। जी जी, जो कुछ यहाँ आने वाले भक्तगण हैं, जी जी, कुछ उनका प्रभाव, जी, और कुछ थोड़ी सी कमी हम ये कहें सरकार की है, या जो ब्रज विकास ट्रस्ट है उसकी कह लो, या जो ऊपर से पैसा आ रहा है तीर्थों में नहीं लग पा रहा है उनकी कह लो। बिल्कुल जी, किसी एक व्यक्ति की कमी से ये नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़े विशाल काय एक प्रकार से तीर्थ स्थल हैं। इन विशाल तीर्थ स्थल पर कोई एक व्यक्ति जीर्णोद्धार नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट के अंडर का काम है, या एक हम कहें सामूहिक काम है, तो एक टीम जैसे काम करती है, इस प्रकार से काम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ हमें अकेले, हमारे या आपके करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला हाथ तो इसमें ये है कि जो ब्रज में भक्तगण आ रहे हैं उनका भाव पिकनिक भाव से होता है। बिल्कुल। आपने देखो, जैसे आप सनातन धर्म से जुड़े हो तो एक वाक्य आपने सुना होगा, एक दोहा आपने सुना होगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है, सही बात। तो अभी जो 90% पब्लिक आ रही है वो घूमना फिरना पिकनिक भाव सेल्फी वाले, जब वो भैया पिकनिक पॉइंट से आएंगे तो ठाकुर जी भी उसी प्रकार से उनको दर्शन देंगे। बरोबर भाई, आप यहाँ आ रहे हो ठाकुर जी को प्राप्त करने, भक्ति को प्राप्त करने, और आप यहाँ कर सेल्फी में लीन हो जा रहे हो, फोटोग्राफी में लीन हो जा रहे हो, तो ऐसा काम नहीं चलता। सेल्फी फोटोग्राफी के सदुपयोग के लिए बनाई गई है, जैसे कि एक आप इसका प्रचार प्रसार कर रहे हो कि यहाँ ये परेशानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। या जो लोग तीर्थों के बारे में नहीं जानते उनको जानकारी मिले, ये जो प्रचार है ये उचित है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अपने दिखावे के लिए आना ये गलत है। और जो इस कुंड की जो आप हालत देख सक रहे हो, इधर से आप देख रहे हो, ये जो आप हालत देख रहे हो, ये इतना सूखा हुआ कुंड है, इतनी बेचारी इसकी दुर्दशा हो रखी है, तो गवर्नमेंट इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही है। आप ये देख सकते हो, इसकी ना तो कोई घाट बना हुआ है इसका, ना ही इसमें कोई पानी की व्यवस्था है। इसमें पानी जो आता है ना, आप अच्छा अंदाज़ा लगाइए, पानी इतना बड़ा ये कुंड है तो इसमें पानी के लिए कहाँ से व्यवस्था हो सकती है? कोई बोर वगैरह? बिल्कुल होनी चाहिए, बोरवेल तो होना चाहिए, होना चाहिए ना, लेकिन इसमें कोई बोरवेल नहीं है। लोग जो है अचंभित हो रहे होंगे कि ये बोर से भरता है, कैसे भरता है, लेकिन नहीं। आपको शायद जानकारी होगी कि गवर्नमेंट पानी छोड़ती है खेतों के लिए नाले के जरिए, तो वो नाले का पानी इस कुंड के अंदर आता है। तो आप सोचिए, जो लोग आ रहे हैं तीर्थ के लिए, वो इसमें जो खेतों के लिए पानी आता है, नाले का जो पानी आता है, कहना चाहूंगा उसका पानी है। स्थल में से एक सबसे दिव्य स्थल है, दिव्य स्थल है और सबसे प्रमुख स्थल है, प्रमुख स्थल है। अब इसमें देखो, ठाकुर जी ने स्वयं यहाँ राधा रानी की देह का दान किया है, और ऐसा इसमें बताया जाता है कि इस पे उस दर्शन मात्र से इसको वरदान लगा है। ठाकुर जी के विवाह के समय इसको वो शास्त्र के द्वारा वरदान बताए भी जाते हैं, भादो शुक्ला द्वादशी देहकुंड पे नहाए तरण जन्म के पाप दर्शन ही जाए, कि उस दिन इसके दर्शन मात्र से ही 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इतना भी साधु संतों ने और कुछ भक्तगणों ने इसका प्रमाण बताया है कि इसमें अगर हर साल इसमें आप स्नान करते हो, जब तक जीवित हो, साल में एक दिन वामन द्वादशी के दिन, तो मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता है।
इतना बड़ा इसकी भक्ति का प्रभाव है। यहाँ पे ठाकुर जी ने किस प्रकार राधा रानी के साथ लीला की है, ये जरा भक्तों को आप बता दीजिए। यहाँ लीला इस प्रकार हुई है कि ठाकुर जी का ललिता सखी का विवाह हुआ जी, जिसको ठाकुर जी की कृपा से हमें उस विवाह को पढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। ललिता जी के पुरोहित जो है कहलाते हैं। तो भगवान का विवाह हुआ ललिता सखी के साथ। तो भगवान का जब विवाह हुआ, विवाह के बाद दक्षिणा की बारी आई। उस समय यहाँ स्वयं नारद मुनि सेवा में थे। नारद मुनि की कुटी आज भी यहाँ पर स्थापित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर नारद कुटी के नाम से, जिसमें मैं स्वयं सेवक हूँ। तो वहाँ नारद जी सेवा करते थे। नारद जी से कहा ठाकुर जी ने कि प्रभु विवाह हो गया, विवाह की दक्षिणा में जो चाहिए मांग लो। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, ब्रह्मांड के स्वामी हो, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे प्रिय है वह मुझे अर्पण कर दो। भगवान की सबसे प्रिय क्या है? राधा रानी। राधा रानी। तो भगवान ने यहाँ पर संकल्प धारण करके नारद जी को राधा रानी अर्पण करी थी। जी जी। तो जब यहाँ राधा रानी की देह का दान किया है, इसलिए तब से इसको कहा गया है देह कुंड। उससे पहले ये देव कुंड था। तो ऐसा माना जाता है कि सभी देवती देवी देवतागण स्नान के लिए यहाँ आया करते थे देव कुंड पर। तो जब देह कुंड नामकरण हो गया, अब कहने लगे वापस कैसे पाऊँ। तो राधा रानी को वापस पाने के लिए तुलादान की जो है ठाकुर जी ने यहाँ लीला करी। वही तुलादान आज भी नारद कुटी में दर्शन है उसके यहाँ देह कुंड पर। और भी मैं एक बात भक्तों से कहूँ कि यहाँ देह कुंड पर अनेकों अलग अलग जो है अवैध कब्जे में मंदिर बन चुके हैं, जिस पर सरकार गौर नहीं दे रही है। देह कुंड का तो यहाँ पर सूखा हुआ ही हुआ है, जल तो समाप्त हुआ, साथ में इसके साथ यहाँ अवैध कब्जे भी चल रहे हैं, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैंने स्वयं कई बार कंप्लेंट लगाई, मैंने खुद ने अर्जी लगाई है कि यहाँ देह कुंड का जो है निर्माण किया जाए, यहाँ पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको हटाए जाए। तीर्थयात्री अगर आएंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे? ये सूखा पानी देखेंगे। कुंड की दुर्दशा है, मंदिर की दुर्दशा है, देखने वाला कोई नहीं है। प्रभु कोई नहीं है। अगर तीर्थयात्री आते हैं बिल्कुल, तो इस कुंड में क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? मैं खुद स्वयं 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि इसका निर्माण हो जाए, और उससे पहले हमारे पिताजी भी कई बार प्रयास कर चुके हैं। मैं खुद 3 से 4 साल से लगा हुआ हूँ। कंप्लेंट मैंने DM SDM पटवारी वगैरह कई जगह मैंने जो है यहाँ के अवैध कब्जों के लिए, यहाँ के निर्माण के लिए मैंने कई बार कोशिश करी। यहाँ के प्रधान से मैंने, चेयरमैन से कई बार कहा, लेकिन हमारी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, आप थोड़ा सा आगे आके देख सकते हैं कि यहाँ कुंड सूखा हुआ है। कुंड के साथ में आगे कोने पर यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। थोड़ा सा आप आगे जाके दिखाइए, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ गवर्नमेंट का, देखो निर्माण करवाना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ आप देख सकते हो ये कूड़ा पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये एक तीर्थस्थल है, और तीर्थस्थल के जहाँ पे ये कुंड है यहीं पर कूड़ा लोग डाल के जाते हैं, है ना। तो ये आप देख रहे हो कि कितना गंद जो है यहाँ पड़ा हुआ है। देह कुंड का निर्माण होना, या ये तीर्थ है, यहाँ दुनिया आकर के दूर दूर से स्वर्ण दान करती है। स्वर्ण दान की बजाय अब यहाँ क्या दान हो रहा है देख रहे हो आप, कूड़ा दान हो रहा है स्वर्ण दान की जगह। तो ये तीर्थों का ये हाल है। तो हमारी तो देखो सबसे यही एक प्रार्थना है, यही निवेदन है कि इसका जल्दी से जल्दी जो है उद्धार हो। कहने का मतलब ये सनातन धर्म से जुड़ा तो है, लेकिन संरक्षण कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत पे कोई कुछ नहीं कर, कोई नहीं कर रहा। ये बात जमीनी हकीकत पे होता तो इस कुंड का आज ऐसा हाल नहीं होता। बिल्कुल नहीं रहता, इसका जीर्णोद्धार हो गया होता अब तक। और आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, ये नारद कुटी मंदिर है। ये वही मंदिर है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने नारद भगवान को राधा रानी को दान कर दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे तुलादान होता है। तो ये वही मंदिर है, आप लोग दर्शन कीजिए। और देखिए वही मंदिर है, कम से कम इसका जीर्णोद्धार होना बहुत ज़रूरी है। हमारे तीर्थस्थलों में से एक स्थल ये भी है, मुख्य स्थल है। और यहाँ की मंदिर की आप लोग हालत देख सकते हैं, क्या हालत है इस मंदिर का। ये मंदिर आपका ऊँचा गाँव में आता है, ये बरसाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ऊँचा गाँव उसी के अंतर्गत आता है ये। तो आप लोग ये वही मंदिर है, आप लोग दर्शन कीजिए। कम से कम यहाँ का जीर्णोद्धार होना बहुत ही ज़रूरी है। किस हालत में ये कुंड है तो आप लोग देख सकते हैं किस हालत में है कुंड। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी शासन प्रशासन के पास जाइए, आवाज़ पहुँचे, कम से कम इस कुंड का जीर्णोद्धार हो।